कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा संगो कवि कर्मणि। प्रिय दर्शकों नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं, अक्ल इसे माने या ना माने। ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। सर, मेवारम हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। डॉक्टर गौतम, ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है। मैं उसे अपना वहम समझूं या हकीकत? तुम किसी लड़की की बात कर रहे हो, कौन है वो? मेरा नाम श्यामली वर्मा है। एक मामूली से सिस्ट के ऑपरेशन के लिए जनरल एनेस्थेसिया क्यों दे रहे हैं? मेरी मदद तुम करोगी? वो मसीहा नहीं, मौत का सौदागर है। मामला बड़ा गंभीर है सिस्टर लिली। सीरियस नहीं है डॉक्टर, डेंजरस है। आर यू क्रेजी गौतम? तुम ये कहना चाहते हो जो कुछ भी उस हॉस्पिटल में हो रहा है वो तुम्हारा वहम नहीं बल्कि एक एक हकीकत है? हाँ प्रीति, काश मेरा वहम होता, बट अनफॉर्चुनेटली ये हकीकत है। तुम जरा उस बदनसीब औरत के बारे में सोचो जिसे ऑपरेशन के नाम पर कत्ल कर दिया गया। मुझे तरस आता है श्यामली वर्मा पर। श्यामली वर्मा? ये श्यामली वर्मा कौन है? श्यामली वर्मा वही बदनसीब औरत है जिसे 25 सितंबर की रात इंसानी अंगों के कारोबार की भेंट चढ़ा दिया गया। गौतम, उस औरत के साथ जो कुछ भी हुआ होगा वो खुलेआम तो नहीं हुआ होगा। ऑपरेशन करते वक्त उसकी मौत हो गई ये जाहिर किया गया होगा, लेकिन उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया ये तुम्हें किसने बताया? प्रीति, ये बात खुद श्यामली वर्मा ने मुझे बताई। क्या? और कौन बताएगा मुझे? श्यामली वर्मा ने ये बात तुम्हें बताई? वो औरत जो मर गई है उसने तुम्हें ये बात बताई? देखो देखो, मैं सच कह रहा हूँ, ये बात खुद श्यामली वर्मा ने ही बताई है मुझे। गौतम, अब तक जो तुम बातें कह रहे थे उसे सुनकर तो ऐसा लग रहा था ये बातें मीडिया में हंगामा खड़ा कर देंगे, लेकिन एक औरत मरने के बाद अपनी आप बीती तुम्हें सुनाने आई? इस बात पर कोई होश में रहने वाले तो यकीन करेगा नहीं। हाँ, कोई मासूम नादान बच्चा या कोई पागल ही ऐसी बात पर यकीन कर सकता है। देखो देखो प्रीति, कौन यकीन करेगा कौन यकीन नहीं करेगा इस बात की परवाह नहीं है मुझे। सुनो मेरी बात, सुनो प्रीति, कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो। गौतम, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम डॉक्टर नहीं बल्कि वहम के मरीज हो गए हो। अब मुझे तुम्हारा इलाज करवाना पड़ेगा। किस बात का इलाज कराओगी तुम? मैं पागल हूँ? अच्छा हुआ तुम्हारी ये खबर मैंने अखबार में नहीं छापी, वरना जो क्लाइमेक्स तुमने सुनाया है ना उससे छापने के बाद तो अखबार वाले मुझे नौकरी से ही निकाल देते। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम मजाक कर रहे हो तो ठीक है, और तुम सीरियस हो ना गौतम,
तो लोग हंसेंगे तुम पर। तो हंसने दो, मैं परवाह नहीं करता हूं किसी की, बट प्लीज कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करो। गौतम प्लीज ऐसी बातें मत करो। अरे यार देखो मुझे तुमसे डर लगने लगा है। गौतम ये क्या हो रहा है? एक मिनट। जो कुछ डॉक्टर गौतम ने कहा वो सच है। गौतम ये आवाज किसकी है? गौतम ये मेरी आवाज है। गौतम गौतम ये कैसा मजाक कर रहे हो तुम? एक मिनट। मेरा नाम श्यामली वर्मा है। श्यामली वर्मा घबराओ नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे सामने इसीलिए आना पड़ा कि तुम डॉक्टर गौतम की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। अब तुम मुझे अपने सामने देखकर तुम दुनिया वालों को कम से कम मेरी दुख भरी कहानी तो बता ही सकती हो। मेरा आना भले ही एक भ्रम है लेकिन इस भ्रम के साथ खतरनाक सच्चाइयां जुड़ी हुई है। ऐसी सच्चाइयां जिसे जानने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। जिस मरीज को डॉक्टर ने आज बचाया अगर वो मर जाता तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते। और अगर ये सिलसिला चलता रहा बंद नहीं हुआ तो इंसानी अंगों का ये कारोबार न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा, न जाने कितने घरों को उजाड़ देगा। नहीं अब तुम्हारे आने पर मुझे यकीन हो गया है कि मौत के भयानक अंधेरे भी सच्चाई को नहीं छुपा सकते। मैं डॉक्टर कृपाल के इस घिनौने जुर्म को दुनिया के सामने ला कर रहूंगी, जरूर लाऊंगी। और गौतम गौतम तुम्हें मेरे इस काम में मदद करनी होगी। अब तक उस हॉस्पिटल में जितने भी ऑपरेशन हुए 2 साल तक वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे लाके दो। अब तक कितने लोग मरे हैं और कितने लोग जिंदा हैं? गौतम प्लीज डू इट फॉर मी। मैं नहीं छोड़ूंगी अब डॉक्टर कृपाल को।
ये तुम क्या कह रही हो सिस्टर लिली? हम एकदम ठीक बोलता डॉक्टर कृपाल। पहले तो हमको डाउट था, लेकिन अभी हम एकदम श्योर है कि डॉक्टर गौतम सीआईडी का आदमी है। उसने वो सारा फाइल्स निकाला जिसमें पेशेंट का डेथ रिपोर्ट्स था, और उसने उसमें से कुछ नोट भी किया, शायद उन पेशेंट्स का एड्रेस। बात बात आगे बढ़ चुकी है। डॉक्टर गौतम को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। और इससे पहले क्या हम कोई मुसीबत में पड़ जाएं, हमें डॉक्टर गौतम का हिसाब चुकता कर देना चाहिए। सिस्टर लिली, डॉक्टर गौतम पर नजर रखो, उसका पीछा करो, और हां, कुछ दिनों के लिए हमें अपना यह कारोबार बंद करना पड़ेगा। पर डॉक्टर कृपाल, उन लोगों का क्या होगा जिनसे हमने एडवांस लिया है? उन्हें इंतजार करना होगा, और अगर वो इंतजार नहीं कर सकते तो उनका पैसा वापस कर दो। पर इससे हमारा बहुत लॉस होगा डॉक्टर कृपाल। जब तक डॉक्टर गौतम जिंदा है तब तक हमें यह नुकसान बर्दाश्त करना ही होगा। सावधान करने आई हूँ। कैसा खतरा? डॉक्टर कृपाल को आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब आपकी जिंदगी को उसे खतरा है। डॉक्टर कृपाल एक डॉक्टर नहीं बल्कि मुजरिम है, मुजरिम। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। देखो शामली, मैं अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करता हूं, और ना ही मैं इन कृपाल जैसे लोगों से डरता हूं। मैं बखूबी जानता हूं कि जो लड़ाई हमने शुरू करी है उसके कदम कदम पर खतरा है। छोड़ो उन बातों को। देखो देखो श्यामली, जो बातें तुमने बताई हैं, खाली उन बातों की वजह से मैं कृपाल को मुजरिम साबित नहीं कर पाऊंगा, और उन फाइलों से जो मुझे सबूत हासिल हुए हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर जिन लोगों के साथ ये हादसा पेश आए हैं, मैं उन्हें चाह कर भी सबूत या गवाह के तौर पर पेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब के सब मर चुके हैं। एंड आई एम सॉरी टू से, बट बिना सबूत के हम कृपाल को मुजरिम साबित नहीं कर पाएंगे। नहीं डॉक्टर गौतम, नहीं। ये जंग मैंने शुरू करवाई थी, और इस जंग में आप अपनी जान की परवाह किए बिना ही मेरा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर गौतम, आप जो काम नहीं कर सकते वो काम मैं करूंगी। तुम क्या करोगे? मैं डॉक्टर कृपाल के जुर्मों के सबूत को इकट्ठा करूंगी, जिंदा सबूत, ऐसे सबूत जो डॉक्टर कृपाल के दिल और दिमाग को हिलाकर रख देंगे। अब आप देखते जाओ डॉक्टर गौतम कि मैं क्या करती हूं। Thank you.
तुम? मैं श्यामली हूँ, श्यामली वर्मा। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं वो ही हूँ जिसकी किडनी तुम्हें लगाई गई है। तुम्हारे पति ने 15 लाख रुपए में ये किडनी खरीदी तुम्हारे लिए। तुम्हें जिंदगी मिली और मुझे मौत। नहीं, ये सच नहीं है, ये झूठ है। तुम झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्या ये सच नहीं? ये सच है, लेकिन तुम्हारी किडनी मुझे लगाई गई, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं ना? दोष तुम्हारा नहीं, दोष है उस डॉक्टर का, ने मुझे मारकर मेरी किडनी निकाली। दोष है तुम्हारे पति का, जिसने गैर कानूनी तौर से 15 लाख रुपए में ये किडनी खरीदी। तो फिर उनको जाके पकड़ो ना, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ कलावती, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तुझे किसी ने झंझोड़ा क्या? अरे कलावती, तेरे झंझोड़ने ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। नहीं जी, मुझे किसी ने नहीं झंझोड़ा, मुझे किसी ने नहीं झंझोड़ा। तो फिर क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा? नहीं, कोई सपना नहीं देखा। वो आई थी। वो आई थी? वो कौन भाई? हाँ, वो आई थी जिसे मारकर डॉक्टर कृपाल ने मुझे किडनी लगाई थी, वो आई थी। अरे कलावती, तू उल्टे सीधे सपने देखना बंद कर दे। ये सपना नहीं था, ये सच है। वो यही थी, मेरे सामने खड़ी थी, ये सच है। अरे सच का मैं क्या करूं, इस सच का मैं क्या करूं? कहाँ है, बताओ कहाँ है? अभी तो यही थी मेरी आंखों के सामने। आप मेरे यकीन मानिए, मैंने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा। जय जय भोलेनाथ। अरे 15 लाख रुपए खर्चा करके मैंने तेरी जान बचाई है, अगर अब तू इतना परेशान करेगी ना मुझे, मैं अपने हाथों से तेरा गला दबाऊंगा। अरे 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 अरे, मैंने तुझे छुआ भी नहीं अभी तक और चिल्लाने लगी तू। अरे क्या हुआ तुझे भाई? अरे फिर क्या हो गया कलावती? ये दर्द मेरी जान लेके छोड़ेगा। अरे सत्यानाश, सत्यानाश, ये दर्द तेरी नहीं मेरी जान लेके छोड़ेगा, देखना। मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे। देखिए, आपकी तसल्ली के लिए एक्सरे भी निकलवा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, वो औरत मुझसे किडनी वापस लेकर जाएगी। मदाराम जी, क्या कह रही है, किस औरत की बात कर रही है ये? अरे पता नहीं डॉक्टर साहब, क्या ये उल्टा सीधा बोल रही है? मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, वो औरत सचमुच मेरे पास आई थी। मुझे बताइए आप, कौन आई थी आपके पास? वही औरत डॉक्टर साहब, जिसकी किडनी आपने निकालकर मुझे लगाई है। बोलाराम जी, घर ले जाइए इन्हें, कुछ नहीं हुआ है इन्हें। आपने खुद ही बताया था ना कि ऑपरेशन के बाद ये अचानक सोते सोते उठती है, एक कसम का डर है, कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, जब से डॉक्टर गौतम ने इसको दवा दी है बिल्कुल ठीक ठाक हो गई है, कोई डर वर नहीं है इसको। लेकिन आज तो बस जाए भोलेनाथ, पता नहीं कैसा दौरा पड़ गया उसको अचानक आज। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, वो लड़की सचमुच मेरे पास आई थी। कौन आई थी आपके पास? अब डॉक्टर, वही लड़की जिसकी किडनी आपने मुझे लगाई थी, श्यामली वर्मा नाम था उसका। श्यामली वर्मा? हाँ डॉक्टर साहब, श्यामली वर्मा। बहुत गोरा सा रंग था उसका, कोई 30 साल की उम्र होगी, बहुत लंबे काले बाल थे और होठों पर एक काला तिल भी था उसके। डॉक्टर कृपाल, ये सब आपको डाउट में डालने का एक खतरनाक प्लान है।
लेकिन भोलाराम की पत्नी कह रही थी कि श्यामली उससे मिलने आई थी। उसने बोला और आपने बिलीव कर लिया? कम ऑन मिस्टर कृपाल, आप एक डॉक्टर हैं, आप इस बात पर कैसे बिलीव कर सकता है कि कोई डेड मैन उठ के किसी से बात कर सकता है? तो फिर ये सब क्या है लिली, ये सब क्या है? ये सब डॉक्टर गौतम का एक गेम प्लान है। हाँ, उसने बताया था कि डॉक्टर गौतम ने उसका चेकअप करके उसे दवा दी थी। एग्जैक्टली, जब से डॉक्टर गौतम हमारे हॉस्पिटल में आया है तब से ये गड़बड़ बातें हो रही है जिस पर कोई बिलीव नहीं कर सकता। वो हमको बर्बाद करना चाहता है और इस काम में वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसका मंगेतर प्रीति भी है। प्रीति? हाँ प्रीति। प्रीति टाइम्स अखबार में एक रिपोर्टर है और वो दोनों मिलकर हमारे बिजनेस को दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। अब उन दोनों का जिंदा रहना हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम दोनों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो ऑपरेशंस और करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स। डॉक्टर गौतम, डॉक्टर कृपाल ये जान चुका है कि तुम और प्रीति उसके गैर कानूनी कारोबार के बारे में जान चुके हो और उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। अब उसका अगला कदम होगा तुम दोनों की जिंदगी का खात्मा, और अब वो लीली के साथ मिलकर तुम दोनों को फांसने का जाल बिछा रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो श्यामली? हाँ, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस खतरनाक खेल को अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा। तमाम हालात को देखते हुए मैंने एक मंसूबा बनाया है। कैसा मंसूबा श्यामली? बताती हूँ, लेकिन इसमें पहल प्रीति को करनी होगी। प्रीति? हाँ, प्रीति इस नाटक को शुरू करेगी और इसे अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगी। मैं? कैसे? सुनो, डॉक्टर कृपाल, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम प्रीति, प्रीति भार्गव, मैं एक रिपोर्टर हूँ। आई एम सिस्टर लिली है। मुझे डॉक्टर कृपाल से मिलना है प्लीज। तुम डॉक्टर गौतम की? हाँ, मैं डॉक्टर गौतम की मंगेतर हूँ, आप जानती हैं मुझे। डॉक्टर कृपाल से कुछ खास काम? एक्चुअली मुझे उनका इंटरव्यू लेना है, इज इट पॉसिबल? ठीक है, हम आपको उसे मिलाते हैं। ओह थैंक्स। चलें। थैंक्स। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मे आई कम इन? सिस्टर लिली, डॉक्टर आपसे कोई मिलने आया है, प्लीज कम इन। थैंक यू डॉक्टर। ये है मिस प्रीति, ये जर्नलिस्ट हैं और डॉक्टर गौतम की मंगेतर हैं। आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। इंटरव्यू? सॉरी डॉक्टर, उसने आपसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, फिर भी हमने परमिशन दे दिया। डॉक्टर गौतम हमारे अपने आदमी है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक किया। आइए प्लीज। थैंक यू। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। बताइए क्या लेंगे यार? सर कुछ भी चलेगा। सिस्टर लिली, आई नो डॉक्टर, हम चाय लाती। प्रीति, प्रीति कहने का बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं सर, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं और फिर डॉक्टर गौतम। डॉक्टर गौतम बहुत करीब है मेरे, बहुत अजीज है मुझे। सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ के काबिल तो डॉक्टर गौतम है। सर मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी,
चाय। अरे थैंक यू लेली। थैंक यू, पर ये क्या किया आपने? आप खुद ले आई? जी आप हमारा स्पेशल गेस्ट है, शायद फिर हमको चांस नहीं मिले। जी मेरा मतलब है डॉक्टर गौतम से शादी करने के बाद शायद आप ये पेशा छोड़ दें। ये मैं कह नहीं सकती सर, काम शुरू करें। I'll take your leave, sir. All right. Please. सर मैं इस इंटरव्यू को एक यादगार इंटरव्यू बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप डॉक्टर क्यों बने और कैसे बने। मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगी कि आपकी इस कामयाब जिंदगी का राज क्या है। आप चूंकि एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, अपने पेशे में माहिर और जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं। लेकिन कुछ लोग इस पवित्र और मुकद्दस पेशे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। सर ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपकी चाय ठंडी हो रही है। ओह थैंक यू। नाइस टी। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, शायद आप कुछ सोच रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि तुम इंटरव्यू ले रहे हो या इंक्वायरी कर रही हो। सर इंटरव्यू में तो लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हाँ लेकिन तुम्हारा इशारा जिन लोगों की तरफ है उनसे मेरा क्या ताल। सर हर डॉक्टर का अपने पेशेंट से ताल्लुक होता है। जैसे आपके एक पेशेंट है कलावती और एक पेशेंट थी श्यामली वर्मा। ये क्या बेहुदा सवाल कर रही हो तुम मुझसे? अरे सर आप तो नाराज हो गए। नाराज होने की तो बात है, किस किस्म का इंटरव्यू ले रही हो तुम? एक्सक्यूज मी सर, मैं ये सवालात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि श्यामली के साथ और भी कई पेशेंट हैं आपके जो एक मामूली ऑपरेशन कराने आए थे आपके अस्पताल में, लेकिन ऑपरेशन के नाम पर किसी के शरीर से किडनी, किसी के शरीर से दिल और पता नहीं क्या क्या निकाल कर उनको मौत की नींद सुला दिया गया। मिस प्रीति मुझे लगता है कि तुम मेरा इंटरव्यू लेने नहीं आई हो, किसी साजिश के तहत मुझे फंसाने आई हो। नहीं सर ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है मिस प्रीति, तुम मुझे बच्चा समझती हो? तुम्हारे और गौतम के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं और तुम लोग हमारे कारोबार के बारे में, और इसके बाद सारी दुनिया जान जाएगी तुम्हारी असलियत। दुनिया तो तब जानेगी मिस प्रीति जब तुम यहाँ से बाहर जाओगे। क्या मतलब? अब तुम यहाँ से बाहर नहीं सीधे ऑपरेशन थिएटर जाओगी, जहाँ मैं तुम्हारे शरीर से एक एक अंग निकाल के मुंह मांगे दामों पर बेचूंगा। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि अभी अभी जो तुमने चाय पी है ना उसमें बेहोशी की दवाई मिला दी गई। क्या? और उस दवाई का असर भी होने लगा। Don't touch me. Don't touch me. मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो।
समझते थे कि तुम प्रीति को लाए हो? नहीं डॉक्टर कृपाल, अगर तुम प्रीति को लाते तो उसका भी वही हश्र करते जो तुमने मेरा किया था। याद है वो दिन 25 सितंबर का दिन जिस दिन तुमने मेरा ऑपरेशन किया था? और मुझे मौत की नींद सुला दिया था? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कौन से गुनाह की सजा दी है तुमने मुझे डॉक्टर कृपाल? कौन सी दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ? बोलो बोलो डॉक्टर कृपाल बोलो। माफ कर दो। ये तो मर्द है, जानवर बन गया लालच में आकर, लेकिन तुम तो एक औरत हो लीली, तुमने भी इस हत्यारे का साथ दिया। ऐसा घिनौना पाप करते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? हमको माफ कर दो। तुम्हारा दिल नहीं दहला? तुम दोनों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, अगर वही मैं तुम दोनों के साथ करूं तो? नहीं, 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 माफ कर दो। हमको माफ कर दो। नहीं, नो, नहीं, नो, नहीं, नहीं, नो, खोलो, दरवाजा खोलो, मिलने दो, खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। नहीं डॉक्टर कृपाल, अब कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। आज तुम्हारा सामना एक मजबूर और बेबस औरत के शरीर के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि एक जलती तड़पती भटकती हुई आत्मा से हो रहा है। माफ कर, माफ कर दे। अब की बार माफ कर, फिर ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम दोनों ने कितने पाप किए हैं, कितनी जिंदगियां बर्बाद की है तुम दोनों ने। इंसानी शरीर पर चलाकर तुमने उनके अंग काट लिए, यही था ना वो औजार जिसे इंसानी शरीर पर चला चला कर तुम दोनों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी, उनकी जिंदगी के दिए बुझा दिए तुम दोनों ने। कितना खून बहाया है तुम दोनों ने इसी कमरे में, उनमें से मैं भी एक हूं। जब तक मैं तुम दोनों को तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी डॉक्टर कृपाल, यूं ही भटकती रहेगी। श्यामली, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं तो से अपनी जिंदगी की भीख मांगते हैं। कितना खौफ होता है अपनी मौत का, मगर जब तुम उन मासूमों की जान लेते थे, उन्हें बेदर्दी से काटते थे, तब तो तुम्हारे दिलों में रहम नहीं आता था। अब अपनी मौत को सामने देखकर मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो? कितने बुज़दिल और कायर हो तुम दोनों। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह नहीं मारूंगी और मुआफी नहीं करूंगी, तुम्हारा फैसला कानून करेगा। आशा, हमें कानून के हवाले कर, हम अदालत को बताएंगे कि अंगों के इस कारोबार में हमने कितनी हत्याएं की, कितनी जिंदगियां बर्बाद की, कितने अंग बेचे और कितने रुपए कमाए, सब बता दें। डॉक्टर कृपाल और मिस लिली, डॉक्टर गौतम और मिस प्रीति की कंप्लेंट पर हम यहाँ आए, मगर यहाँ आकर हमने जो पाया उसे मानने को हमारी अकल तैयार नहीं। फिर भी तुम्हारा कन्फेशन हमारे सामने है, इंसानी हत्याओं और इंसानी शरीर के अंगों का गैर कानूनी और गैर इंसानी जुर्म करने के लिए हम आप दोनों को गिरफ्तार करते हैं। अरेस्ट देम। ले चलो इन्हें। देख रहे हो गौतम? कुछ नहीं प्रीति, सोच रहा हूं इस कहानी की शुरुआत इसी ऑपरेशन थिएटर से हुई थी। हाँ डॉक्टर गौतम, आज इस कहानी का अंत हो गया। चाहती तो थी कि मैं भी उन दोनों को खून में नहला दूं,
मगर ऐसा करती तो मैं सिर्फ अपने खून का बदला लेती। मैंने उन्हें कानून के हवाले इसीलिए किया कि सारी दुनिया को उनकी असलियत का पता चल जाए। डॉक्टर गौतम, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, मेरी आत्मा को शांति मिली। प्रीति, तुम रिपोर्टर हो, इस हादसे को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचा देना, ताकि इसके बाद कोई भी डॉक्टर जिस्म के अंगों का व्यापार ना करे। मैं जा रही हूँ इस उम्मीद पर कि तुम अस्पताल का ध्यान रखोगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करती हूँ।